मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों पर बनाए गए कई नियमों से नाराज प्राइवेट स्कूल संगठन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ब्लॉक त्योथन ने बखेड़ी, चाकघाट और त्योथर क्षेत्र में संचालित समस्त स्कूल के संचालकों की बैठक बुलाई। बैठक के माध्यम से स्कूल संचालकों ने शासन के खिलाफ प्राइवेट स्कूल के जो नियम बनाए हैं उनकी बदलाव की मांग की है, वहीं कई नाराजगियाँ भी व्यक्त की हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 31 अगस्त को रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा और शासन प्रशासन से गुहार करेगा कि प्राइवेट स्कूल के लिए जो नियम बनाए हैं उनमें बदलाव किया जाए। बैठक कार्यक्रम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ब्लॉक अध्यक्ष त्योथर समरजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जी सर, आज जो कार्यक्रम यहाँ मीटिंग स्थापित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य सर ये है कि 31 तारीख को हम लोग जिला कलेक्टर के समक्ष रीवा में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन इसलिए करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं अभी तक शासन ने कोई मांग हमारी मानी नहीं, इसलिए हम लोग दिवस में कई बार ज्ञापन दे चुके और अवगत शासन को कराए, मंत्रियों से मिले, लेकिन अभी तक हमारी जो मूलभूत समस्याएँ हैं वो कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुई, इसलिए हम लोग 31 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे जिला कलेक्टर के सामने। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, हम ये चाहेंगे कि शासन प्रशासन जो है हम लोगों को जो समस्याएं आ रही है उनको सुलझाए, जिससे हम लोग विद्यालय सुचारू रूप से संचालित कर सकें, क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में, तो हम लोग शासन का ही एक काम कर रहे हैं और एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो समस्याएँ हैं उनको जो है शासन अवगत होकर के उनको दूर करें। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो धरना प्रदर्शन होने वाला है? ये प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ जो अनावश्यक परेशानी करने वाले नियम लागू करते हैं शासन, शासन के कार्य ही हम लोग कर रहे हैं, तो हमको शासन हमारे मजबूरी भी समझे, हमारे साथ हमारा भी हित को ध्यान में रखते हुए नियम पास करे और विद्यालय ऐसा चलाने में शासन हमें मदद करे कि अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था यहाँ कायम हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अनावश्यक विद्यालय परेशान ना हो, साल भर शासन का नियमों का पालन करते हैं, कागजे कागजावा कार्यवाही पूरा करते हैं, समय ना नष्ट करें, बच्चों को हम सही पढ़ा भी सकें, हमें उसके लिए वक्त मिले, अनावश्यक परेशान करने वाले जो भी कागजात मांगना है बार बार ये सब बंद करें शासन। मान्यता भी देते हैं तो 10 वर्ष का एक साथ मान्यता दे दे, उसके बार बार हर वर्ष जो मान्यता मांग देने का जो प्रक्रिया है वो शासन बंद करें। धरना प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे माध्यम से किसी को कष्ट पहुँचे, पर हमारा जो संगठन है, जो हम प्राइवेट विद्यालय के संचालकगण हैं, हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं और शासन से कम स्तर पर पैसा लेकर के, ये शासन का लगभग जो बजट है एक छात्र के पीछे 20,000 रुपये का है, उससे भी हम कम स्तर का पैसा लेते हैं और बच्चों को शासन से भी अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और जो शासन की दमनकारी नीतियाँ हैं, प्रतिवर्ष विद्यालयों से मान्यता शुल्क अलग लेना, संवर्धता शुल्क अलग लेना, RT में भी 3 वर्ष की मान्यता देना, ये सारी बातें जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर किया जाए और 10 वर्ष के लिए मान्यता विद्यालय को प्रदान की जाए, 1 एकड़ जो भूमि की अनिवार्यता है उसको खत्म की जाए और RT एक्ट जो है उसको प्रतिवर्ष दिया जाए, साथ ही अन्य राज्यों में जैसे 15,000 से 20,000 रुपये RT का जो पैस दिया जाता है उस तरह से हमारे प्रदेश में भी लागू किया जाए और प्रत्येक छात्र के पीछे जो वो अपने छात्र के पीछे खर्च करते हैं 20,000 रुपये, वही हमको भी हमारे विद्यालय के छात्रों को दिया जाए, यही हमारी मांगे हैं और इसको हम चाहते हैं कि शासन जल्दी से जल्दी इसको पूरा करे। सर, आपका परिचय? राजीव कुमार दुबे, PTSN हायर सेकेंडरी स्कूल सोहागी।